अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मेहर। वेलकम टू माय चैनल शेख मेहर 007। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज हम आपको बनाना बता रहे हैं स्टू कीमा। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छा है और झटपट से बन जाएगा। चलिए उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, मैंने आधा किलो कीमा ली हूँ, बोटी जैसा करा ली हूँ, जैसे चना बोटी रहती है ऐसा कराई हूँ। दो मीडियम साइज की प्याज लगेगी, मैंने स्लाइस करके रख ली हूँ। दो मीडियम साइज का टमाटर लगेगा, उसको मैंने चॉप कर ली हूँ। 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लगेगा। 8 से 10 काली मिर्च लगेगी। 3 हरी इलायची लगेगी। 4 से 6 लौंग लगेगी। 1 बड़ी इलायची लगेगी। 2 टुकड़े दालचीनी के लगेंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से जाएगा। कोतमीर 1 मुट्ठी ली हूँ मैंने, अंदाजे से आप ले सकते हैं इतना। 1 टेबल स्पून गरम मसाला लगेगा। 1 टेबल स्पून जीरा लगेगा। और 8 से 10 सूखी लाल मिर्च जो होती है वो ली हूँ मैंने, इसके टुकड़े कर लेंगे हम। और तेल ज़रूरत के हिसाब से जाएगा। चलिए इसका मेथड मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, चूल्हा मैंने चालू कर दी हूँ, उस पर कुकर रख दी हूँ, कुकर में बनाएंगे हम। उसमें मैंने प्याज डाल दी हूँ, पहले प्याज का थोड़ा सा पानी सुखा लेंगे। और जब प्याज का पानी सूख जाएगा तो इसमें हम 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अगर कीमा चिकना है तो कम डालिए, और अगर चिकना नहीं है तो 3 से 4 टेबल स्पून आप डालिए। और प्याज को हम कच्चा पक्का ब्राउन करेंगे, एकदम ब्राउन नहीं करना है। और जब कच्ची पक्की ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हल्की सी ब्राउन हुई है, देखिए कुछ कुछ ब्राउन हुई है, कुछ कुछ कच्ची है। बस इसी स्टेज पे हमको कीमे को ऐड करना है। कीमा ऐड कर देंगे और कीमे को 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही प्याज और इसके अंदर पानी इसका सुखाएंगे, और फिर उसके बाद में मसाले ऐड करेंगे। देखिए, पानी सूख चुका है और अच्छे से ये तला जा चुका है। अब इसके बाद में हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और नमक डालेंगे हम अपने टेस्ट के हिसाब से। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला जो है वो डाल देंगे, जीरा डाल देंगे। और ये देखिए, गरम मसाला है, इसमें मैं तेज पत्ता पीसती हूँ, इसलिए मैंने तेज पत्ता नहीं ली हूँ। अगर आप गरम मसाले में तेज पत्ता नहीं पीसते हैं तो आप गरम तेज पत्ते के दो पत्ते ले सकते हैं। और ये देखिए, मिर्ची को मैं तोड़ के डाल दूंगी। इसके बाद में टमाटर डालेंगे और इसको अच्छे से हम एक बार और थोड़ा सा पानी इसका सूखने देंगे, और फिर इसमें 1 सीटी लगाएंगे। थोड़ा पानी सुखाना है। देखिए, इसका थोड़ा पानी सूख चुका है, थोड़ा सा है इसमें, ये देखिए। और इससे हम इसी स्टेज पे 2 सीटी लेंगे, से कुकर को बंद कर देंगे और 2 सीटी लगाएंगे। और 2 सीटी के बाद हम आपको बताते हैं। देखिए, 2 सीटी आ चुकी है, चूल्हे को हम बंद कर देंगे, इसकी सीटी निकाल लेंगे। देखिए, इसको खोल के देख लेते हैं, इसमें थोड़ा पानी है, इसको हम सुखा लेंगे एकदम, जब तक तीरा ऊपर नहीं आए। और इसको पानी को अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि ये जो प्याज है इसके अंदर मिक्स हो जाए और एकदम तीरा बाहर आ जाए। सारे जो टमाटर है, सब मसाले इसके अंदर, कीमे के अंदर मिक्स हो जाए, इसलिए हम चलाते रहेंगे। और इसका जैसे भूनते हैं गोश्त को, इस तरह से हमें करना है। उसके बाद में हम इसमें कोतमीर डालेंगे। देखिए, इसका तीरा एकदम बाहर आ चुका है, ये देखिए अभी एकदम रेडी है। बस इसी में हम कोतमीर डाल देंगे, और कोतमीर हमने खूब सारा लिया है 1 मुट्ठी के बराबर। इसको खूब अच्छे से मिक्स करके और हम आपको प्लेटिंग करके बताते हैं। देखिए, हमारा कीमा रेडी है, स्टू कीमा। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और कितना झटपट से बन गया। ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर मेरी रेसिपी और मेरा आइडिया आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिए, कमेंट्स भेजना नहीं भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।